वालेकुम। आज हम दाल चना पुलाव बना रहे हैं। इसमें 1 किलो चावल है, 1/2 किलो दाल, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी मिर्चें, पिसा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, तेज़पत्ता, गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, ज़ीरा, टमाटर, पुदीना। दाल को बॉईल करके रखिए, ज़्यादा बॉईल नहीं करनी है, ऐसी होनी चाहिए दाल, ज़्यादा बॉईल नहीं करनी है। और चावल भीगे हुए हैं, चावल 5 से 10 मिनट तक। तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हमारा तेल गरम हो चुका है। सबसे पहले इसमें हम तेज़पत्ता डालेंगे, उसके बाद गरम मसाला, ज़ीरा थोड़ा सा, अब इसमें हम प्याज डालेंगे, देखें हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल दें, पहले का बचा हुआ अच्छा होता है जीरा, उसमें कुटी मिर्चें, हरी मिर्च, पिसा धनिया, उसके बाद नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, मसाला भून चुका है हमारा। अब इसमें हम डालते हैं दाल, उबली हुई है, बॉइल हुई है, दाल को अच्छी तरह भून लें, अच्छी तरह से भुनाई कर लें। अभी दाल हमारी भुनने वाली है, अभी दाल हमारी भुन चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पुदीना डालते हैं, गरम मसाला पिसा हुआ, मिला के लगा के अच्छी तरह से, फिर इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 5 गिलास पानी डाला है, अब इसे 15 मिनट के लिए स्लो आंच पे छोड़ दें, मीडियम से। पंद्रह मिनट के बाद देखें आप, उबाल आ चुका है, दाल भी देखें ऐसी हो गई है, दाल तेल की गल चुकी है दाल। इसमें चावल डालेंगे, इसमें चावल डालने जो भीगे हुए रखे थे, ये देखें इसमें चावल डाल दिए, 15 मिनट तक तेज आंच पे
बना लें। अब ये देखें 15 मिनट के बाद तेज आंच पे रखे थे चावल, ये देखें अभी से दम लगाएंगे। चावल हल्के हल्के भी हैं कच्चे, अभी से दम पे रखेंगे 10 मिनट तक बिल्कुल स्लो आंच पे। इसमें टमाटर रख दें, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया, दो हरी मिर्च रख दें। इसमें थोड़ा सा केवड़ा डाल दें खुशबू के लिए, खुशबू हो जाएगी इसमें। इसमें थोड़ी सी तली हुई प्याज डाल दें ऊपर से, इसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख। बिल्कुल स्लो आंच पे 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे रख दें इसको दम पे। अभी देखें 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट के लिए दम पे रखे थे ये चावल। ये देखें चावल बिल्कुल गल चुके हैं, दाल भी ऐसी खड़ी खड़ी है। अब इसे डिश आउट करते हैं। अब ये देखिए दाल चना पुलाव तैयार है हमारा। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।